एक पीसीबी जिसके ऊपर LM324 IC फिट किया है, 14 पिन, इसमें 4 ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसलिए इसे क्वाड ऑप एम्प कहते हैं। पिन नंबर 4 के ऊपर 12 वोल्ट येलो वायर, पिन नंबर 11 के ऊपर ब्लैक वायर नेगेटिव, प्लस 12 वोल्ट और नेगेटिव यहाँ पर। एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, ब्रिज रेक्टिफायर और फिल्टर कैपेसिटर, अनरेगुलेटेड वोल्टेज रेड और ग्रीन। यहाँ दो रेगुलेटर ऐसे फिट किए, 78-12 और 78-05, ब्लू वायर रेगुलेटर 12 वोल्ट, येलो वायर रेगुलेटेड 12 वोल्ट, ब्लू वायर प्लस 5 वोल्ट। इसका आउटपुट कनेक्टर स्टे से लिया है, प्लस 5 वोल्ट, नेगेटिव 12 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट यहाँ रेफरेंस के लिए दिया है। यहाँ आगे जेनर डायोड 3.8 4.8 के लगाए जा सकते हैं रेफरेंस वोल्टेज के लिए। ये वोल्टेज आईसी के दो टर्मिनल पे दिया है। तीन और पांच इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट 2 ब्लू वायर और ग्रीन वायर यहाँ कनेक्ट किए गए हैं। एक पोटेंशियोमीटर का सेंटर पॉइंट ग्रीन, दूसरे पोटेंशियोमीटर का सेंटर पॉइंट ब्लू। एक एमीटर करंट मेजर करने के लिए, CT 5 एम्पियर/1000 यहाँ कनेक्ट किए गए हैं। दो रेजिस्टेंस यहाँ पे 2.2 के पैरेलल में या 1.1 के लगाया जा सकता है, 1 के लगाया जा सकता है करंट टू वोल्टेज कन्वर्शन के लिए। उसके बाद रेक्टिफायर ब्रिज, एसी वोल्टेज को डीसी करने के लिए, फिल्टर कैपेसिटर 222/25, वोल्टेज फिल्टर करने के लिए। एक सीरीज टेस्ट हम कनेक्ट करेंगे, ये करंट देने के लिए। करंट शो कर रहे हैं, इसे यहाँ से कम ज़्यादा किया जा सकता है। एक्यूरेट 1 to 5 या 0 to 5 के लिए अलग से ट्रांसफार्मर स्पेशल लगाना पड़ेगा, या डिमर स्टेट और 230/24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। CT से का वोल्टेज 5 वोल्ट रेफरेंस,
5 वोल्ट, पाँच वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, सीटी का आउटपुट 5 वोल्ट, यहाँ किसी कारण शो नहीं कर रहा है, देखते क्यों नहीं आ रहा है। आगे दूसरा वीडियो सब्सक्राइब करें।